अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदा हाशमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल के बारे में, ठीक है, कि एक्सेल पे कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। ये इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। एक्सेल हमने ओपन कर ली। एक्सेल होती किस लिए है? एक्सेल जो है वो बहुत सारे ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, बहुत उसके जो है मल्टीपर्पजेज़ हैं जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सेल में आप कैश फ्लो, सेल्स इनवॉइसेस बनती हैं, मार्कशीट्स बनती हैं, बजट बनते हैं, और डेटा एंट्री हो जाती है, बहुत कुछ होता है इसमें, ठीक है। तो इस पे काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जो थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो इसमें हम किसी का जो है वो किसी और का टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट में इनके किसी और की कोई सैंपल बना है, कोई फाइल बनी है, उसी पैटर्न पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। बट हम खुद अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर फाइल, सबसे ऊपर ये जो आ रही है, एक बार इसको कहते हैं, ये बार आ रही है, इसमें फाइल है, होम है, इंसर्ट है। फाइल में अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइल में क्या आ गया। ने हमें बताया कि एक ब्लैंक वर्कबुक है जिसको हम ओपन कर सकते हैं, या जो हमारे पास कुछ ऑलरेडी सेफ भी आ रही है, जिसे मैंने आपको बताया कि हम समबडी एल्स टेम्पलेट पे काम कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट हमारे पास मौजूद है, बट हमें क्योंकि नया काम करना है तो हम एक ब्लैंक वर्कशीट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया। इसके बाद होम पे ही ये जो हम जिस विंडो पर है ये होम है, ठीक है। अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में इसने हमें बता दिया कि टेबल है, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं आप अपनी एक्सेल फाइल में। आप कोई चार्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई ऐसे कोई आपकी कैलकुलेशन करनी है, एनालिसिस करनी है, तो चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं उसमें, और मैप्स होते हैं। कोई लाइन ऐड करनी है, कोई स्टिकर ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई टेक्स्ट, स्पेशल टेक्स्ट है यहाँ पर वो ऐड करना है, सिंबल्स हैं, तो ये इंसर्ट में जाके हम ये सब चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट नाम से ही थोड़ा सा एक वाजा हो रहा है कि इंसर्ट क्या है, ठीक है। ड्रॉ में देखें, मार्कर्स आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के हमारे पास। जैसे अगर हम येलो को पकड़ते हैं तो हम यहाँ पर, जैसे अगर आपने कोई भी नीचे काम किया है उस पर आप कॉपी लिख दें, कुछ भी लिख दें, ये इसलिए है, ठीक है। ये रेड कलर है, रेड कलर से अगर कुछ अलग से आप लिखना चाहें, रेड है, ब्लैक है। इसके बाद ये रेजर भी हमें दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो जो भी हमने लिखा था उसको हमने रेज कर दिया इसमें, ठीक हो गया। अब फिर हम आ जाते हैं पेज लेआउट पे, जिस पे हमें काम करना है। पेज लेआउट इसको हमने सीखना है आज, ठीक है। तो एक हम फर्जी रिजल्ट बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रिजल्ट ऑफ मिड टर्म, ठीक है, हो गया। अब हम नीचे नेम लिख लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स नेम हो गए। फिर सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट एंड टोटल मार्क्स, नेक्स्ट वाले में हम लिख लेते हैं ऑब्टेन मार्क्स, कि उन्होंने कितने ऑब्टेन किए, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स। और देन हम लिख लेते हैं रिमार्क्स, के पास है, फेल है, ठीक है, परसेंटेज कितनी है, तो वो लिख सकते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, तो कभी भी आप किसी फाइल पे काम करेंगे तो साथ साथ उसको सेव करते जाएँ, वरना आपकी लाइट गई और ये बंद हो गई फाइल, तो फिर आपका जितना भी आपने काम किया होगा वो सब दोबारा से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फैसल क्रिएट करने से बेहतर है कि हम इसको पहले सेव कर लें। सेव करने के लिए आप फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हैं, और शॉर्टकट कीज मैं तो यूज़ करती हूँ जो कि टाइम सेविंग होती है, ठीक है। शॉर्टकट की है इसकी सेव करने की, कंट्रोल एस पे हमने क्लिक किया तो नेक्स्ट विंडो खुल गई, जिसमें उसने हमें बता रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि डेस्कटॉप पे करना है आपको, या डाउनलोड फोल्डर में करना है, या कोई और प्लेस पे करना है आपको। तो हम इस फाइल को डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं मिड टर्म के नाम से, ठीक है। ये मिड टर्म का रिजल्ट है, मिड टर्म, ठीक हो गया। ये हमारे डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो गई। अच्छा, आप ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे रिजल्ट ऑफ मिड टर्म, अब ये इसको क्योंकि ये हेडिंग है या टाइटल है हमारी फाइल का, तो हमें इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको बताऊँ, एक्सेल में जिस भी चीज़ को आपको फॉर्मेटिंग करनी है या जिस चीज़ को चेंज करना है उसकी
साइज़ चेंज करना है टेक्स्ट का या कुछ भी चेंजेस करनी है तो उसको पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करके जैसे मिड टर्म को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम। ये ठीक हो गया। ये मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखिए नीचे हमें प्लस का साइन नज़र आ रहा है सबसे नीचे, देखिए शीट वन जहाँ पे लिखा है इसके बिल्कुल साथ एक प्लस का साइन है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक और शीट इसमें ऐड हो गई, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो एक और शीट ऐड हो गई। जितनी दफ़ा आप इसको क्लिक करेंगे यानी कि जितनी शीट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर मिड टर्म का बनाया है, ठीक है, मिड टर्म का रिजल्ट बना रहे हैं, तो हम इसमें एक राइट क्लिक करें तो देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, रीनेम का है, मेक मूव और कॉपी का है, ठीक है। तो इंसर्ट का मतलब क्या है, अगर हम इसको इंसर्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया तो एक आपने चार्ट इंसर्ट करना है इसमें या वर्कशीट करनी है, तो हमें एक वर्कशीट इंसर्ट करनी है। ओके किया हमने इसको, ये एक वर्कशीट आ गई। मीन्स इसका क्या हुआ, ये हमने मिड टर्म का रिजल्ट बना रहे थे तो यहाँ पे हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ये रीनेम का ऑप्शन आ रहा है थर्ड नंबर पे, देखिए रीनेम लिखा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये हो गया पहला कैपिटल लेटर फर्स्ट, ठीक हो गया फर्स्ट टर्म, इसको रीनेम कर देंगे सेकंड टर्म। राइट क्लिक किया, रीनेम किया और इसको कर दिया सेकंड टर्म, ठीक है। इस तरीके से आप जितनी चाहें इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें शीट्स भी को डिलीट भी कर सकते हैं, शीट्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया, एक और शीट होनी चाहिए थी, जैसे अगर जनवरी फरवरी हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसमें हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए से हमने सारा सेलेक्ट करते हैं और ये कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी से वापस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हर सेल का जो होता है ना, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिस तरह एक घर बनाने के लिए ईंट एक बुनियादी इकाई है, ठीक है, ईंटों से मिलकर घर बनता है, तो बिल्कुल इसी तरह एक्सेल की जो शीट है, ये जो वर्कबुक है, ये सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। ये जो एक आपको ये खाना नज़र आ रहा है ना, ये सेल कहलाता है, ये सेल से मिलकर बनती है हमारी कोई भी एक्सेल की शीट, और हर जो सेल है उसका जो नेम है वो यूनिक होता है दूसरे से। जैसे अभी जहाँ मेरा कर्सर है उसका नाम है A7, अगर हम इस कर्सर को यहाँ ले आए अपने तो ये है D6, ठीक है। और हम रोज के और कॉलम्स के साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर हमें लगता है कि ये रिजल्ट ऑफ मिड टर्म ये तो एक उसमें आया ही नहीं रो में, तो हम इस पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो देखें इसने एक्सेल ने उसको उतना ही जो है वो स्पेस ले ली जितना कि उसमें वो फिट आ जाए, ठीक है। हम इसको बोल करेंगे कंट्रोल बी से, ठीक हो गया। और इसके हम रो का साइज भी रीसाइज करेंगे इसको, ऐसे हमने जब भी किसी चीज़ को रीसाइज करना हो तो ड्रैग करने के ड्रैग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे इस पर रखेंगे आप ये लाइन पे रखें और माउस को क्लिक करके और इसको आपने ये रिसाइज कर दिया, ठीक है, रिसाइज हो गया ये। इस तरीके से हम कुछ भी यहाँ पे अगर हम नाम लिख लें, अगर हम इस पर हम इंसर्ट करना चाहें कि हमने तो इसमें एक और चीज़ ऐड होनी चाहिए जो कि सीरियल नंबर का कॉलम नहीं है, ठीक है, तो हमने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे और हमने इसको सीरियल नंबर का नाम दे दिया ऐसा कॉलम, ठीक है। फिर कंट्रोल एस कर दिया साथ ही साथ, यहाँ पर डबल क्लिक किया ताकि ये भी और सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये जो भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो वही मैंने आपको बताया है कि इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करना ज़रूरी इसलिए कि जितने भी आप डाटा को सेलेक्ट करेंगे उतने पे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, ठीक है। अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि हम सिर्फ दो लाइनों का करें या पहली दो रोज़ पे फॉर्मेटिंग करें तो हम उनको ही सेलेक्ट करेंगे, तो फिर उनमें ही चेंजेस होंगी, जो भी हम चेंज करेंगे तो वही चेंजेस सिर्फ सिलेक्शन वाले ही पार्ट पर होगी। इस पे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, कंट्रोल पी करेंगे, जितना हमने सेलेक्ट किया होगा
तो वो सेलेक्ट उतना ही आपका जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट में भी सेटिंग करनी होगी सिलेक्शन की, ये प्रिंट एरिया आ रहा है, ठीक हो गया। इस तरीके से इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर है एक्सेल का जो कि सॉर्टिंग का है, यानी कि सॉर्ट करना। सॉर्टिंग से मुराद मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको डाटा किसी लिहाज से सेव करना है या सॉर्ट करना है, सॉरी, जैसे हम यहाँ पे अगर कोई नाम लिख लेते हैं, मोहम्मद आयान और यहाँ पे अगर हम फिल्टर करें और उसको हम नाम सर्च करें कि अयान के नाम से कितने हैं, अगर हो सकता है क्लास में 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, तो अगर हम अयान के नाम से करेंगे तो सारे अयान के नाम के जितने भी बच्चे होंगे और उन्होंने जितने जितने मार्क्स होंगे उनका डाटा हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये अच्छा, कॉपी फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी हिस्से को हमें कॉपी करना है, हम कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम माउस की मदद से जितना हमें कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये कॉपी का हो गया, कंट्रोल सी किया कॉपी हो गया, या राइट क्लिक करके कॉपी भी क्लिक करके कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ, और फिर हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जैसे अगर हमने इसको कॉपी करके और हम शीट 2 पे पेस्ट कर दें, या किसी और फाइल में या किसी ईमेल में, कहीं पे भी जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, तो कंट्रोल पी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, मेन मेन चीज़ें जो थी वो आपको मैंने बता दी हैं कि इस तरह से होता है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी चीज़ अपनी फेवरेट मूवीज़ का नाम लिख लें कि ये मूवी मैंने इसको देखी थी, डेट पर देखी थी, या मैंने ये कितने की परचेज़ की थी, या कोई शॉपिंग की आप बना लें लिस्ट, कुछ भी बना लें, कोई सिंपल सी, कोई आसान जिसमें आपको कोई मुश्किल ना हो वो बनाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मुझे चेक भी करवाएं, ठीक है, मेरे ईमेल पे भेज दें, कमेंट कर दें मेरे नंबर पे, आप जो है वो किसी नंबर है उस पर आप करके मुझे भेजें, और फिर मुझे बताएं कि आपको और मज़ीद अगर इसमें कुछ सीखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्मूलाज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इस पर प्रैक्टिस करें और इसमें एक्सपर्टीज़ अपनी जो है वो हासिल करें, एक्सपर्ट बन जाएं एक्सेल में। उसके बाद फिर जो है ना वो हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मज़ीद इसकी और अच्छे से किस तरह से काम करना है, किस तरह से फाइलिंग करनी है, फिर वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ समझ आया, या इसमें मज़ीद बेहतरी हम किस तरह ला सकते हैं, क्या चीज़ और, क्योंकि मैं वर्ड का सोच रही हूँ कि वर्ड पे भी कुछ थोड़ी बहुत आपको बताऊँ, वर्ड और पावर पॉइंट के किस तरह से उन पर काम करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।